योगी सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो हमला उन्होंने मेहनत कशों के ऊपर किया, अवैध बूचड़ खानों को बंद करने के नाम पर पूरे मीट के व्यवसाय को जिला प्रशासन ने जबरन बंद करा दिया गया। मीट का जो पुश्तैनी काम था, वर्षों से जो लोग करते चले आ रहे थे, उस काम को करने वाले लोगों के साथ जो है पुलिस ने मारपीट किया, दुकानों को तोड़फोड़ किया, मुकदमे बनाए, लोगों को उठा करके बंद कर दिया। इस तरह पूरा जो है प्रशासन ने आतंक मचा करके मीट के व्यवसाय को पूरी तरह ठप करा दिया गया, जबकि सरकार का सिर्फ आदेश अवैध बूचड़ खानों को बंद करने का था। टोटल मीट का जो काम है, चाहे वो मछली बेचने का काम था, चाहे वो मुर्गा बेचने का काम था, या बकरे का था, या सुअर का था, पूरा जो काम था उन्होंने जो बंद किया हुआ है। 32 साल हो गए हमें इस जगह पे रहते हुए, हमारे बच्चों के ही बच्चे हो गए। अब 32 साल से हमारे देखो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बिजली का बिल है, हमारे पास कौन सी चीज नहीं है जो हमें NOC नहीं दी जा रही है, या हमारी दुकानें कौन नहीं खोली जा रही है। लाइसेंस देने के नाम पर भी जो है राजनीति शुरू की गई। यहाँ के जिला प्रशासन ने कहा कि जो है NOC देने का काम नोएडा विकास प्राधिकरण का है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने सिर्फ ये कहते हुए कि जो उनकी अपनी दुकान आवंटित है या जो पक्की दुकानें हैं सिर्फ उनके लिए NOC जारी करेंगे। झुग्गी बस्तियों के इलाकों के अंदर जितनी भी मीट के व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको हम जो NOC नहीं देंगे। जब से सरकार हुई है बनी, उससे ही दूसरे दिन के बाद में दूसरे तीसरे दिन 22 तारीख से ही हमारे पास पुलिस आना चालू हो गई। क्या भाई, ये पहले हमारी दुकान आगे बाहर लगती थी, मुर्गे की हमारी बाहर लगती थी, बकरे की हमारी अंदर लगती थी। तो बकरे की दुकान पे आन के कहने लगे कि यहाँ पर्दा डालो, ऐसे खुले में मत ना बेचो, ये इसमें 5-5 फुट टाइल लगवाई है, शीशे का गेट, वॉश बेसन, गीजर और जी तुम्हारे फ्रीजर ये सब लगवा के और अंदर ही शीशे के गेट में तुम दुकानदारी करोगे। हमने कहा जी ठीक है, ये भाई साहब हमने खुशी सारा काम जल्दी फटाफट जो रात जो मिस्त्री जैसा भी मिला वैसे ही हमने काम ये ठिए पिए सब कुछ एकदम ओके करा के सारा चीज़ करा दी। गए जी वहाँ लाइसेंस के लिए फूड विभाग के पास, उन्होंने कहा जी NOC लाओ। आज भाई साहब हमें भागते भागते नोएडा प्राधिकरण DM साहब के पास भेजते थे और DM साहब भेजते थे नोएडा प्राधिकरण के पास। हमें 5 महीने, कल पूरे 22 तारीख को 5 महीने हो गए हमें भागते भागते। हम सुअर की मीट की दुकान है हमारी, अब 5 महीने से हम इतने परेशान हैं कि हमारे घर में बाजू आइटम में ऐसा होता है कि खाना भी नहीं बन पाता है, इतनी दिक्कतें हो गई हमको, स्कूल की फीस नहीं भर पाते हम लोग। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके तो पास लाइसेंस है, उनकी अपनी जगह है, ये हमारी जगह ना होने के कारण इस वजह से हमको लोग मना करते हैं। यहाँ पे मेरी मुर्गे मछली मार्केट लगती थी, बहुत सारी दुकानें लगती थी, और उसमें जो पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं या तो किसी अधिकारी से बात करवाओ या आपकी दुकानें नहीं लगेंगी। और यहाँ पीछे मार्केट में मुर्गा मार्केट की उन्हें भी बहुत परेशान करा जा रहा। अब ये है कि हम कहाँ जाएं, हम भी तो यहाँ हिंदुस्तान के नागरिक हैं।